यार लॉस सैंटोस का मौसम कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। नई गाइज सर्दी है और नई गर्मी है, मस्त करके गाइज मैं तो घासों पे लेटा हुआ और मन कर रहा है भाई यहीं पे लेट रहो, लेकिन गाइज मेरे पेट में ना भाई चूहे कूद रहे हैं क्योंकि भाई सुबह से मैंने बिल्कुल भी कुछ खाना पीना खाया नहीं, लगता है गाइज उठना ही पड़ेगा। और वैसे भी गाइज आज ना भाई सिंचन गया अपने दादाजी को लेने के लिए, क्योंकि गाइज सिंचन के दादाजी अब तक हमारे घर पे आए नहीं है। गाइज मेरी शादी हो गई और तो और चौप की शादी हो गई, लेकिन गाइज दादाजी यार अभी तक आए नहीं सिंचन के, इसलिए गाइज सिंचन गया अपने दादाजी को लेने के लिए। और गाइस सिंचन इसलिए अपने दादाजी को लेने गया क्योंकि गाइस सिंचन की भी शादी होने वाली ना, तो वो चाहता है उसकी शादी पे भाई उसके दादाजी हमारे घर पे रहे और उसकी शादी देख सके भाई कैसे धूमधाम से मनाते हैं। और ये चेक करो गाइस क्या ब्यूटीफुल कार है भाई, ग्रीन कलर की। जस्ट गाइस दो दिन पहले ये माइकल मेरे घर पे लेके आया और दो दिन से भाई मेरे घर के बाहर ही खड़ी है ये कार और मेरी कार माइकल ले गया। सही है गाइस मैं माइकल की कार चला रहा हूँ और माइकल मेरी कार चला रहा है। सिंचन बेटा कब से चले जा रहे हो बेटा, कब आएगा तेरा घर? तूने बोला जंगल के रास्ते से चलेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। अरे बाबा जी हम जल्दी तो पहुंच जाए, लेकिन ये जो आपकी गाय है ना जिनको आप अपने साथ लेके आ गई, इनकी वजह से यार हम जल्दी तेज चल नहीं पा रहे। तो बेटा तू क्या था क्या सिंचन बेटा, गायों को पीछे छोड़ के हम आगे भाग जाए हैं? बेटा गायों को कोई चोरी कर लेगा। अरे बाबा जी आप टेंशन मतलब तेज तेज भक्ति में जाओ, मैं आपकी गायों का ध्यान रख रहा हूँ, गायों के साथ लेके आऊंगा। वैसे भी ये जो सामने वाला घर देख रहे हो ये मेरा ही घर है। ये तेरा घर है? अरे ये तो वही टकला खड़ा टकला तेरा फ्रैंकल भैया। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ से टकले हो गए बाबा जी, टकले तो आप और क्या हाल है? अरे सिंचन के दादाजी आप तो काफी चेंज हो गए भाई, क्या ओपी लग रहे हो, नए कपड़े पहन के आए हो हैं? और क्या करूं फ्रैंकल भाई, मैंने अपना लुक थोड़ा सा भाई चेंज कर लिया, सब लोग मेरे को अंकल अंकल बोलते थे, जैसे मैंने लुक चेंज करा सब दादाजी बोलते हैं। लेकिन एक सेकंड दादाजी ये किन को लेके आ गए भाई, गाय को? और क्या, जब मैं तेरे घर पे रहने आ रहा हूँ तो ये जो गाय है इनको अपने गाँव में क्यों छोड़ के आओ, इनको खाना कौन खिलाएगा ये बताओ। हाँ ये बात भी ठीक है। अरे इसलिए फ्रैंकल भाई दादाजी ने अपनी गायों को यार साथ ही हमारे घर लेके आ गई। फ्रैंकल इन दोनों गायों का ठिकाना बताए ना, कहाँ बांधेंगे? कहाँ बांधेंगे दादाजी, घर के बाहर बांध दो इन गायों को। तो चाटा मारू तेरे घर पे है, मारू अभी चाटा तेरे घर पे, ये रहेंगी घर के अंदर, खुद घर के अंदर बेड पे सोएगा, मेरी गायों को बाहर सुलाने की बात कर रहा है। चाटा लगा देता भी गुस्सा आ जाता है मुझे, वो क्या नाम था चाप, उसकी भी शादी हो गई है नटखट की। और सुनचन बेटा नीचे। अरे दादाजी यार चाप और स्वीटी ना यार शायद घूमने के लिए चले गए। अरे दे इन दोनों नटखटों के गाल पे चाटे बजाऊंगा, इनकी हिम्मत कैसे होगी मेरे बिना शादी कर ली। वैसे ये जगह सिंचन बेटू इधर आओ। अरे क्या हो गया टकले दादाजी, क्या हो गया? देख बेटा मेरी दोनों गाय प्यारी गाय यही रहेंगी और सुबह सुबह तेरे को दूध पिलाऊंगा। कितना पतला कर दिया फ्रैंकल ने तेरे को, अब मैं तेरे को अपनी गायों का अपने हाथों से दूध निकाल के सुबह सुबह पिलाऊंगा, फिर देख तुझे कैसे तंदुरुस्त बनाता हूँ, हट्टा कट्टा कर दूंगा तुझे। अरे वाह दादाजी यार आप तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर लेते हो। और सिंचन बेटा तेरे को मैं लंबा भी करूंगा, तेरी हाइट कब से रुकी पड़ी है, क्या हो गया तेरी हाइट को? अरे दादाजी पता नहीं यार क्या हो गया, मैं लंबा नहीं हो रहा, आपकी दोनों गाय देखो कितनी हट्टी कट्टी हो चुकी है। इनको मैं पूरा ध्यान रखता हूँ और अपना भी ध्यान रखता हूँ, मैं भी देख लंबा हो गया, तू लंबा कब होगा? अरे दादाजी आप कुछ करके मुझे लंबा करो यार, क्योंकि मेरी शादी भी होने वाली है। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ हो यार? आज वैसे भी गाय मैं फ्रैंकल भैया और दादाजी ना रिश्ता तय करने जाएंगे मेरा। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ चले गए? सिंचन के बच्चे क्यों चिल्ला रहा है, कहाँ है तू? अरे ये रहा मैं क्या कह रहा हूँ, चलो चलते हैं फ्रैंकल भैया कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? लेकिन कहाँ जाएगा सिंचन घूमने? अरे घूमने नहीं सारी, चलते हैं यार भाभी के घर पे, और मेरा रिश्ता देखने जाना था ना इसलिए तो दादाजी को बुलाया है। अच्छा तो ठीक है सिंचन, लेकिन सिंचन हम तीनों जाएंगे तो सिंचन उनकी गाय कहाँ रहेंगी? अरे उनकी गाय हमारे घर में रहेंगी, तुम टेंशन मतलब। रुक सिंचन उससे पहले चलते हैं सिंचन शॉप पे और सिंचन थोड़ा भाई नाश्ता वास्ता लेके आ देते हैं तेरे दादाजी के लिए। सिंचन ऐसे थोड़ा ना, तेरे दादाजी सिंचन कितने दिनों बाद गाँव से हमारे घर आए हैं, और सिंचन हमने ना उनको भाई चाय पिलाई और ना ही सिंचन नमकीन बिस्कुट रसगुल्ले कुछ भी नहीं दिए सिंचन, और साथ में फ्रैंकल भैया मिठाई भी नहीं खिलाई मेरे दादाजी को तुमने, तुमने शादी भी कर ली। वही तो सिंचन तेरे रिश्ते तय करने से पहले चलते हैं शॉप पे, उसके बाद सिंचन बहुत सारा आइटम लेके आते हैं, उसके बाद दादाजी की भी पार्टी कराते हैं, अब देखना दादाजी कितने खुश होंगे। आपको पता है दादाजी कह रहे हैं कि मुझे ना लंबा करेंगे और मोटा भी करेंगे। अब सिंचन तू लंबा होके लगेगा कैसा सिंचन, और क्या दादाजी मेरी हाइट बढ़ाएंगे और मुझे मोटा भी कर देंगे। सिंचन मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ भाई, तू मोटा हो जा बस फटाफट से, हाँ तो मुझे डेली बर्गर और पिज्जा खिलाओ, देखो कैसे मोटा होता है। और वैसे भी दादाजी ने वादा करा है कि वो मुझे दूध पिला के लंबा करेंगे। और पापा ने आज मेरे को पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, अब मैं क्या करूंगा, 5 रुपए सिंचन को दूंगा, 5 रुपए मैं खुद रखूंगा, अपन दोनों मस्त दुकान पे जाके 5-5 रुपए की चीज खाएंगे। ये क्या घोड़े? अरे घोड़े कहां से आ गए? फ्रैंकल के भैया के घर के आ गए और सिंचन भैया के घर के आ गए। अरे कितना मस्त घोड़ा, इसके तो सिंह भी है घोड़े के और पूछ भी है। अरे घोड़े के पूछ होती है नहीं होती पता नहीं। अरे ये कौन है बुड्ढा? ओ बुड्ढे ये घोड़े तू लेके आया लग रहा है। क्या बोला तूने बुड्ढा?
आया तेरे गाल पे चाटे लगाओ चाटे। अबे बुढ़िया ये तू घोड़े लेके आया है सिंचन के घर के आगे घोड़ों को ले जा वरना इन घोड़ों के ना सींग पकड़ के हिला दूंगा समझ रहा है बुढ़े कही के लगता है तुझे मेरे गुस्से के बारे में नहीं पता आज तेरी यही मौत होगी यही और तेरी मौत मैं डिसाइड करूंगा। तूने मुझे बुढ़ा बोला और मेरी गायों को तूने क्या बोला अरे मैं क्या कह रहा हूँ इनको ना घोड़े कहते हैं मेरे पापा से पूछ लो बेशक जाके घूसा खाओ थप्पड़ तो नहीं पड़ा लेकिन हाँ घूसा पड़ा बुढ़ा बोलेगा तुम बुढ़ा बोलेगा सिंचन बेटा बाहर निकल और जिसकी मौत डिसाइड मैं करूंगा तेरा ऐसी हिम्मत ही है मिले बोल तू मेरी गायों को तू बोल क्या बोला था तूने क्या बोला घोड़े बोला घोड़ा बोल घोड़ा अब की बात बोल ये टाट पे लाया है अब बोल अरे जल्दी जाते हो पापा जी के पास आज तो यार इस बुढ़े ने मेरे को बहुत ही मारा मेरे को ऐसा लग रहा है ये ना कोई पाखंडी सिंचन के घर के बाहर आ गया पापा जी मैं क्या कर रहा हूँ अरे 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 कैसे लिटिल सिंह बेटा मारेगा नहीं तू अरे पापा जी एक अंकल है पापा जी मुझे बहुत मारा पापा जी उन्होंने चश्मा पहन रखा है मेरी तरह अरे लगता है लिटिल सिंह बेटा तू सबसे पिटता ही रही हो तूने घर की साफ सफाई करी ये ले चाटा का तुझसे क्या बोला था कल के घर की साफ सफाई कर दियो जंप लगा के कितनी दूर गया पापा जी सभी मारते तेरे को सब मारेंगे नहीं तू उल्टे काम करते हैं तूने पक्का उस अंकल को कुछ बोला होगा जब तो उसने तेरे मारा है आज तेरी चिताई मैं लगा तो ये भी ले अरे पापा जी घर साफ कर दूंगा ये ले जाके सॉरी मांग क्या किससे पिट गया अरे पापा जी एक तो उसने मुझे मारा मैं सॉरी मांगू और क्या ये ले मेरे से भी सॉरी मांग और जाके उससे भी सॉरी मांग जिससे तू पिट गया क्योंकि तेरे ही उल्टे काम होंगे लिटिल से कम बेटा कहीं का। दादाजी आपने एकदम टेंशन फ्री हो जाओ यार आपकी गाय को कुछ नहीं होगा आपकी गाय को चोरी करना तो बहुत दूर की बात है भाई कोई टच भी नहीं कर सकता। हाँ दादाजी हमारा जो गैराज है ना एकदम ओपी। हाँ दादाजी आपकी गाय इसके अंदर मस्त मैंने फिट कर दी अब ये जो इसका शटर है ना वो भी ऑफ हो जाएगा तो आपकी गाय एकदम मस्त यहाँ पे रहेंगी। बेटा मेरे को तुमसे एक खास बात भी करनी है थोड़ी सी सिंचन बेटा। अरे दादाजी क्या हो गया यार आपकी जीभ तो जब भी लड़खड़ाती है जब यार आप किससे पिटती हो बताओ यार किससे पिटे हो तुम। सिंचन बेटा मैं पिटा नहीं हूँ बेटा मैंने किसी को मारा है। अरे बताओ ना दादाजी किससे लड़ाई होगी दादाजी आपकी किससे लड़ाई हुई है क्या लेकिन आपने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं। अरे पहले चलो गाड़ी में बैठो उसे सिंचन का रिश्ता देखने जाने ना उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ और बताता हूँ अभी अभी क्या हादसा हो गया बहुत गंदा हादसा हुआ है। अरे दादाजी लगता है फ्रेंगल भाई सच में पिटे हैं यार दादाजी के गाल पे दो चांटे के निशान लग रहा है। सिंचन बेटा तेरे को उठा के फेंकू है डस्टबिन में फेंकू तेरे को उठा के ज्यादा मत बोला कर मैंने अभी एक पुलिस वाले को मारा है बहुत गंदी तरह से। आओ दादाजी आओ लगता है दादाजी भी ना सिंचन की तरह ही है। सिंचन जल्दी दादाजी को लेके आ। अरे हाँ यार चल रहे हैं अपने रिश्ते की बात करने के लिए फ्रेंकिल भैया की भाभी के घर। सिंचन मेरी भाभी के घर नहीं तेरी भाभी के घर मेरी तो वाइफ हुई ना। हो बेटा क्या नाम है फ्रेंकिल बेटा अपनी तूने वाइफ से मेरे को मिलाया नहीं मिलाएगा भी नहीं मिलेगा। अरे दादाजी जा तो रहे यार वही तो जा रहे हैं मिला देंगे आप टेंशन क्यों ले रहे हो अब ये बताओ किससे पिटे हुए आप। फिर तू भी सिंचन की तरह पागल हो रहा है मैं किससे बेटा पिटा नहीं हूँ बल्कि मैंने एक पुलिस वाले को मारा है उसने पुलिस वाले के कपड़े पहन रखे थे और हाइट में मुझसे लंबा था और चश्मा पहन रखा था आया मेरी गायों को पता क्या कह रहा कि ये वो है घोड़े 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 दिख रहे हैं वो उसे। अरे पक्का फिर ये तो फ्रेंगल भाई लिटिल सिंघम की बात कर रहे हैं यार पक्का बाबा जी वो ना लिटिल सिंघम है। हाँ आज उसकी लिटिल सिंघम ही बना दिया मैंने निचोड़ के थोड़ा से। अरे बहुत अच्छा करा बाबा जी आपको पता है वो ना बेवकूफ सबसे पिटता रहता है दिन भर अपने पापा से पिटता है और गली में जब भी निकलता है ना एक दो चाटे मुझसे खाता है और सब लोगों से पिटता है वो। और गए जब तक हम अपनी लोकेशन में पहुंच रहे हैं आप लोग गए जल्दी से वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गए यार जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते यार वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना यार। तो फाइनली गाइस अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और गाइस अभी मैं यार सिंचन की भाभी के घर पे हूं और गाइस आपको पता है यहीं पे भाई सिंचन की भी शादी होने वाली है। अरे हां बात कर ली हमने सिंचन की शादी की भी। अरे वाह यार अब तो गाइस बस मेरी शादी होना बाकी है। गाइस यहां पे मस्त करके अभी मैंने अपनी वाइफ की बहन से गाइस बातें करी है मतलब सिंचन के रिश्ते की बात करी है उसकी बहन से और गाइस तय भी हो चुकी है भाई सिंचन की शादी। हां गाइस आपको पता है यार बस यार मेरी डेट निकलनी बाकी है जैसी गाइस मेरी डेट निकल जाएगी ना कि इस डेट को मेरी शादी होगी उस दिन तो गाइस बहुत ही मजा आएगा यार मस्त धूमधाम से शादी करेंगे। सिंचन तेरी शादी की डेट उसी दिन फिक्स हो जाएगी जिस दिन सिंचन इस वीडियो पे पूरे के पूरे 15,000 लाइक हो जाएंगे। अरे बस इतने ये जितने भी लोग मेरी प्यारे वाले दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना देखना फ्रेंगल भैया आज इस वीडियो पे पूरे 15,000 लाइक करा देंगे ताकि गाइस कल ही मेरी शादी हो जाए। गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना यार बस इस वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंगल भैया को दिखा दो यार पूरे के पूरे 15,000 लाइक कंप्लीट करके उसके बाद गाइस मेरी शादी ना फ्रेंगल भैया करा देंगे यार। और मैं क्यों कह रहा हूं सिंचन बेटा तुझे पता है मैंने बहुत सारे पैसे बचा के रखे थे कि जब भी मेरे पोते की शादी होगी मैं उसको बहुत तगड़ा गिफ्ट दूंगा। अब देख सिंचन बेटा जिस भी दिन तेरी शादी होगी मैं तेरे को बहुत बड़ी कार दूंगा बेटा मेरे पास पूरे के पूरे 3.25 करोड़ रुपए। अरे क्या 3 करोड़ रुपए। हाँ सिंचन बेटा 3 करोड़ रुपए
वो मैं तेरे नाम कर दूंगा 3 करोड़ रुपए जिस भी दिन तेरी शादी होगी। अरे बल्ले बल्ले यार, बहुत मजा आ गई। बढ़िया सिंचन भाई, 3 करोड़ रुपए वो भी तेरे हो जाएंगे। मस्त सिंचन मस्त, फिर तो सिंचन तेरी शादी जल्दी करानी पड़ेगी। इसी बात पे गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस यार वीडियो पे पूरे 15,000 लाइक कंप्लीट करा दो यार, ताकि गाइस सिंचन की जल्दी से जल्दी शादी हो सके। और गाइस सिंचन की शादी तो भाई काफी धूमधाम से करेंगे, अपनी शादी से भी अच्छी गाइस सिंचन की शादी करेंगे हम, और चॉप से अच्छी तो होगी। और गाइस यार ये जो स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही है फटाफट गाइस इसको भी यार क्लिक करके देख लो, क्योंकि गाइस ये भी यार इसी वीडियो की तरह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।